सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15, 16 और 17। ये तीन प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला है, दो समानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच बिंदु L से एक ऐसी रेखा खींचो जो दी हुई रेखा ST के समान हो और दोनों रेखाओं को छुए। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A और B रेखा दी हुई है, ये आप देख सकते हैं ये भी रेखा है, इसी के समानांतर है ये भी रेखा के समानांतर ये रेखा है CD, ये मैं दे लेता हूँ CD। अब एक हमारे पास एक और रेखा दी हुई है L बिंदु है, L एक बिंदु दिया हुआ है, रेखा दे रखी है ST, ये हमारे पास एक रेखा दी हुई है ST। आपने ध्यान रखना है इतनी रेखा देनी है ताकि आप यहाँ से जब प्रकार खोले तो ऊपर तक पहुँच जाए, हो सकता है ये भी नहीं पहुँचे, मैं इसीलिए इसको मैंने कम ले रखा है। आपने क्या करना है, ए बी रेखा पे एक पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ ले लिया है F और मुझे S से T जितनी प्रकार खोलनी है, देखिए मैंने S से T जितनी प्रकार खोल दी है और मैंने यहाँ से चाप लगानी है, ये चलो मेरी पहुँच गई है। अगर नहीं पहुँचती है तो ये रेखा आपने बढ़ा देनी है, ये देखिए जहाँ पे ये कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया E, अब आपने F से E को मिला देना है। ये प्रश्न समानांतर रेखाओं के ही है, तीनों प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक दो और बचेगा इसका समानांतर रेखाओं का, आज जितना मेरे से हो पाएगा मैं कवर करूंगा, तीन मैं कोशिश करता हूँ करवाने की। ये देखिए अब इसी के समानांतर हमने L से रेखा खींचनी है, तो ऐसे जैसे ये प्रकार हमने फुट्टा आपने पकड़ा है यहीं से आपने इस तरह से आगे लेके जाना S और यहाँ से आपने रेखा खींच देनी है S। ये आपका प्रश्न हल हो चुका है, ये है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 है, दो समानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच बिंदु L से एक ऐसी रेखा खींचो जो दिए हुए कोण M के समान कोण बनाएं और दोनों रेखाओं को छुएं। देखो पहले 15 में था L बिंदु दिया हुआ था और समानांतर रेखा उससे खींचनी थी, दूसरे में भी रेखा समानांतर ही है पर उसमें एक कोण दिया हुआ, बिंदु नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो रेखाएं जो कही है वो ले लेते हैं, ए बी और इसी के समानांतर मैं रेखा ले लेता हूं यहां पे सी डी और एक हमारे पास कोण दिया हुआ है एम कोण दिया हुआ है, ये मैं यहां पे एक कोण ले लेता हूं एम, यहां पे मैं इस कोण को बना देता हूं ये मैं बनाता हूँ M कोण और एक हमारे पास दे रखा है, इसमें भी हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है L, ये चीजें हमारे पास दी हुई है ये हमने सबसे पहले ले ली है। अब हमने M कोण को इस पे बनाना है और उसके समानांतर दूसरा जो बनेगा हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं E और हम जो है वो जितना हमारा M है इतनी प्रकार खोल के हम E पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से चाप लगा देंगे, इस तरह से हम चाप लगाएंगे, हम देख सकते हैं डॉटेड ये चाप रहेगी और इतनी हम प्रकार खोल देंगे, देखिए इतनी और यहाँ से हम इसको ऐसे काट देंगे, फिर हम इस M कोण को जो है वो मिला करके आगे बढ़ा देंगे,
ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया है, और जहां पे ये सीधी रेखा को काट रहा है यह हमारा पॉइंट आ गया F। अब हमने क्या करना है, यहां से जैसे हमने पहले वाले कोण में किया था उसी तरह से 15 में 16 में भी हम इसी तरह से यहां से समानांतर रेखा खींचेंगे ऐसे L तक जो हमारी आएगी, और L पे हम जो है वो लाइन लगा के इसको ऐसे डार्क मिला देंगे। और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये हमारी रेखा सही है, तो हमने दोबारा से यहाँ पे M जितनी प्रकार खोलनी है और यहाँ पे हमने चाप लगानी है, लगा दी। और हम ऊपर को देखेंगे कि क्या ये इतनी हमारी प्रकार है, और यहाँ भी हम वेरीफाई करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही कट रहा है। तो हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है, ये आपका प्रश्न नंबर 16 है, आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 17। दो असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच बिंदु ई से ऐसी रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने से उसी बिंदु पर मिले जिस पर असमानांतर रेखाएं बढ़ाए जाने पर मिले। देखो दो हमने इससे पहले प्रश्न किए थे वो दोनों समानांतर रेखा वाले थे, ये जो प्रश्न है ये असमानांतर रेखा वाला है। तो हम सबसे पहले दो रेखाएं ले लेते हैं जो हमें दी हुई है, ये हमारी रेखा है ए बी, और यहाँ से मैं तिरछी रेखा ले लेता हूँ, ये असमानांतर रेखा होगी। ये देखिए ये हमारा है ए बी सी और डी, दो असमानांतर रेखाएं, इनके बीच ये कह रहा है कि इनके बीच एक बिंदु है ई, ये तीन चीजें दी हुई है, वो हमने यहाँ से ऐसी रेखा खींचनी है जो जब वो आगे बढ़ेगी तो यहाँ जो दूरी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वही दूरी यहाँ भी समान रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी रेखा पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ हम ले लेते हैं एच, और यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं एफ, और हम एफ को जो है वो सीधी रेखा ऊपर लगाएंगे तो जहाँ वो मिलेगी यहाँ हम जी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हम इसको जी के साथ यहाँ पे मिला देते हैं डॉटेड इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, G और E को भी आपस में मिला देंगे, G, H और F, ये पॉइंट हमने अपने आप लिए है, हमें दिया सिर्फ E बिंदु था, तो ये हम जो है उसको मिला देंगे, इसको भी हम मिला देंगे। ये सारे प्रश्न मैंने पहले ही बताया है और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हमें सिखाया जा रहा है कि हमें समानांतर रेखाएं खींचनी आनी चाहिए। ये देखिए ये हमारा बन गया है। अब हमने क्या करना है, जितना ये है इसी के समानांतर रेखा हमने H से लेनी है, ये देखिए भी आ गया, जहां पे ऊपर आ रहा है पॉइंट आ गया L। अब जितना आपका ये है आपका GE इसी के समानांतर आप देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे प्रकार बिल्कुल सीधा फुट्टा लेके आ रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको ऐसे रेखा लगा देता हूँ। अब यहाँ से ये आपका FE जितना है इसी के समानांतर, ये देखिए मैं पीछे को ले जा रहा हूँ और मैं H तक ले जाऊंगा, ये देखिए H तक मैं लेके आ गया हूँ, ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया है J आ गया। अब इसको मैं फालतू हमारी लाइन है इनको मैं मिटा देता हूँ, और J और E को मिला देता हूँ, ये देखिए ये हमारी आंसर रेखा आ गई है। तो जितनी दूरी यहाँ है उसी के हिसाब से घट तो जाएगी क्योंकि असमानांतर रेखा है, क्योंकि पीछे को अगर ये बढ़ती है इधर को बढ़ती है तो आपस में मिल जाएगी, और आगे को बढ़ती है तो आपस में फैल जाएगी ये, बट ये जो दूरी आपकी है वो हमने इसी के समानांतर ले रखी है, इसलिए ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही होगा, ये आप स्क्रीन में भी इसको देख सकते।